हेलो लो व्हाट्सअप गाइस, के सब सब आप देख रहे हो हमारे चैनल फायर आर्मी ऑफिशियल। ना मैं हूँ एम के बॉस वाई टी। तो गाइस आज की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आज मैं बताने वाला हूँ जो कि एक महीने में गाइस हमारे साथ हुआ है, ठीक है। जो कि गाइस यार पूरे पलट दिया था चैनल को ही, ठीक है। चैनल गया है, बहुत कुछ गए हैं चीज़ें, तो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना कैसे हैक हुआ है, करने क्या किया गाइस, पूरी स्टोरी गाइस मैं बताने वाला हूँ आपको जो कि हमारे साथ एक महीने के अंदर हुई है, ठीक है। और लगभग यार गाइस मैं इतना मोटिवेशन इंसान हूँ यार, मतलब खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश करता हूँ, बट यार इस जो जो चीज़ें हुई थी उनने मेरे को तोड़ दिया था, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पूरा बताता हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो। तो उससे पहले कर ठोक दो लाइक, और आज कोई इंट्रो नहीं क्योंकि यार मेनली यार टॉपिक्स मेरे को कवर करना था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आपको साथ शेयर कर सकूं और आपको बता सकूं आप स्पैमिंग हैकिंग से कैसे बच सकते हो, और ऊपर से अपनी स्टोरी बता सकता हूं कि गाइस मेरे साथ क्या हुआ, मैं गेम क्यों खेलना छोड़ दिया था, यूट्यूब क्यों छोड़ दिया था, ठीक है। एक महीने बाद गाइस वापस आया हूँ मैं, सो आप एम के भाई की आवाज़ सुन ही सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो गाइस हुआ ये था कि बेसिकली यहाँ पर जो मेरा सेकेंड चैनल था फायर विद एम के, ठीक है, जो अभी मेरा सेकंड चैनल है, ठीक है, उस पर आज तक मैंने आज तक कोई भी वीडियो नहीं डाला है, ठीक है, कोई भी नहीं डाला। 200 सब्सक्राइबर्स हैं उसके, और वो होता है गाइस हैक, ठीक है। हैकर पूरी दम लगा देता है उसको हैक करने के लिए, ठीक है, पूरी कोशिश करी बंदे ने हैक करने की। और वो था हैकर गाइस, मेरे को उसका नाम नहीं पता लगा है, अगर पता लगता तो गाइस मैं उसका साइबर सेल पर जाके उसकी FIR करा देता। बिकॉज अगर इन मामलों में अगर आप हैकर्स को नहीं रोक सकते तो गाइस आपके जो हैकर्स हैं गाइस वो नहीं रुकने वाले कभी, वो हैकिंग पे हैकिंग करते जाएंगे, ठीक है। तो उसको सबक सिखाना भी ज़रूरी है गाइस, उसको सिखाएंगे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का था हैकर, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया था, मेरा सेकंड चैनल हैक कर लिया, ठीक है। अब मेरे को थोड़ी टेंशन हो गई थी, ठीक है, अब मैंने उस पर 2 स्टेप भी लगा दिया, बट उसने हैक कर लिया। अब हैकर्स का तो पता नहीं रहता ना कि क्या करते रहते हैं, किस चीज़ से हैक करते हैं, उन्हें करा, ठीक है, चलो ले लिया भाई तूने चैनल, ये भी ले लिया। उसके बाद होता यह है गाइस, यहाँ पे उस बंदे ने मेरा चैनल हैक करा, ठीक है, फर्स्ट वाला भी चैनल मेरा हैक हुआ, ठीक है, जो मेन चैनल है गाइस फायर आर्मी ऑफिशियल हैक हुआ था, सुबह सुबह 7 बजे का टाइम था, ठीक है। और उसको मैंने वहीं पर ही रिकवरी कर ली थी तुरंत ही, और यहाँ पे जो कोड्स वगैरह थे सब सेटअप वगैरह कर लिया था। बट उसके बाद होता क्या है, 21 शिवरात्रि का टाइम था, 21 फरवरी का, सो 4 बजे मैं अपने ID खोलता हूँ तो वहाँ पर मेरे को डिसेबल दिखाता है, ठीक है, फेसबुक पे और गेम के। तो एक बंदा था गाइस, मैंने उसको ID दी थी खेलने को, ठीक है। अब बंदे पूछते हैं किसी को दी तो नहीं थी, हाँ भाई दी थी, लेकिन उस पर ट्रस्ट रेट पे दी थी, ठीक है, और वो कभी नहीं कर सकता, और मैं भी आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको 17 या 18 तारीख को मैंने दी थी क्योंकि मैं खेल नहीं पा रहा था, और उस समय मैंने अलर्ट पास लिया था, ठीक है, उसको एड में लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, तो फिर गाइस मैंने उस अलाइट पास को ले लिया, ठीक है, और उसको मिशन करने के लिए दे दिया। उसने 21 तारीख तक पूरे मिशन कर दिए थे गाइस, पूरे, ठीक है, उसने मिशन कर दिए। उसके बाद होता क्या है, और जैसे मैं 4 बजे गेम ओपन करता हूँ तो मेरी ID डिसेबल आती है, ठीक है। तो मैंने उसको कॉल किया, सो ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, गवेश नाम था उसका, ठीक है, अच्छा बट ट्रस्टेड बंदा है, ठीक है, उसने कुछ भी नहीं किया वैसे तो, ठीक है। तो एकदम से डिसेबल आता है, देखो डिसेबल का रीज़न ये नहीं था, होता है कि भाई कोई हैक कर ले, ठीक है, हैक तो हुई थी ID, ठीक है, एम के बॉस YT वाली जो मेरी मेन ID थी गाइस, उसके 2 साल से मैंने मेहनत लगा रखी थी, ठीक है, 40,000 वेस्ट कर चुका था, और यहाँ पे पूरी पूरी मेहनत गाइस चली गई मेरी, ठीक है, कैसे चली जाती है गाइस, चली गई ना। तो यहाँ पे ना फेसबुक वाले ना कुछ करते हैं, ना इनका बेवकूफ़ जैसा सर्वर है, और ना गरीना वाले कुछ करते हैं। कितने मेल्स करे गाइस मैंने, इतने सारे स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ मेल्स के बजाय तो मैं, ठीक है, इतने सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कि ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वहाँ पर इनने रिप्लाई तक नहीं दिया मेरे को, ठीक है, पूरे सर्वर तक गया मैं, जितना कोशिश हो सकती थी उस ID को रिकवर करने की, मेरी मेन ID एम के बॉस YT वाली, UID भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, तो सर्च कर लेना, बट रिक्वेस्ट भेजने से कुछ भी नहीं होने वाला, वो कभी नहीं आएगी, वो कि परमानेंट चली गई है, ठीक है। यार इतनी मेहनत लगाई थी उस ID में, अब जब से खेल रहा था यार, सोचो ना यार, जब एक बंदे की ID जाती है थोड़ा बदलाव तो होता ही है। अब बंदे बोलते कि एम के भाई इतना बदल कैसे गया, तो बदला नहीं गया, इस एक महीने ने मेरे को बहुत स्ट्रगलफुल बना दिया था, ठीक है। तो मेरी एक देखो फर्स्ट चैनल मतलब 2 चैनल हैक हुए, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल वाले ने किए थे, और जो ID है, ठीक है, तो ID का क्या हुआ था, देखो गाइस फ्री फायर की, क्योंकि मैंने सनम जानते होंगे सनम बॉस को, ठीक है, या फिर और भी फेसबुक के कई सारे लोग हैं उनसे बात करी थी, सो आधार कार्ड वगैरह लग नहीं रहा था उस ID में, ठीक है, रिकवरी के लिए। उसके बाद लिखा आता है कि UR नॉट कोई सा नाम था लड़की का गाइस, ठीक है, तो उस फेक नाम से मेरी ID हैक हो गई थी, ठीक है,
जो मेरी मेन आईडी है उसको हैक कर लिया था गाइस, ठीक है, एक बंदे ने। उसके बाद उस बंदे ने कुछ छेड़छाड़ करी मेरी मेन आईडी से, ठीक है। तो गाइस उसके बाद होता यह है कि उस बंदे ने मेरी आईडी से छेड़छाड़ करी, वहीं फेसबुक को भनक लग गई कि आपने कोई वॉयलेंस किया है, ठीक है। वॉयलेंस के तहत यहाँ पे मेरी आईडी को उन्होंने कर दिया डिसेबल हमेशा के लिए। तो गाइस अभी अब आप बोलते होंगे एमके भाई एकदम से कहाँ गायब हो गया, तो सीधी बात है गाइस, मेरी आईडी गरीना वाले, फेसबुक वाले, जो भी कहो या हैकर, सब खा गए गाइस, कुछ भी उम्मीद नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। बट यहाँ पर मेरे को इस बात की खुशी है गाइस, मेरे चैनल रिकवरी हो गया, बट जो चैनल के साथ हुआ है गाइस वो मैं बहुत मुश्किल है बताना, ठीक है। तो गाइस चैनल के साथ हुआ ये है कि अभी जो चैनल का मोनेटाइजेशन था, पैसे कमाने की होप थी, ठीक है, तो सब लुट गया, सब चले गया, ठीक है। तो 16,000 आप कह सकते हो इतनी अर्निंग थी मेरी, ठीक है, तो वो सब चली गई एक ही झटके में, और पता भी नहीं लगा गाइस, एक झटके में चली गई, वो मोनेटाइजेशन इनएलिजिबल हो गया। तो वहाँ पे मैंने बात करी बहुत लोगों से, और बहुत लोगों ने यार अच्छा हेल्प भी किया मेरा। और यहाँ तक अभी मैं बता दूँ करेंट स्टेटस मोनेटाइजेशन का, तो वो ये है कि 25 मार्च 2020 से यहाँ पे मेरा मोनेटाइजेशन री एलिजिबल हो जाएगा। तो गाइस मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए यार गाइस, इस वीडियो को जितना शेयर कर सको गाइस कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब से मैं आपको गाइस प्रॉमिस करता हूँ कि जब गरीना किसी कुछ नहीं कर सकता, ना फेसबुक कुछ कर सकता है, तो फिर आप इस गेम पे पैसा क्यों डालो, जब पता है कि आपका एक दिन आईडी चला जाएगा, ठीक है। मेरे को विश्वास भी नहीं था कि गाइस ऐसा कर देगा फेसबुक, जब उसमें पूरी सिक्योरिटी थी, सब कुछ अच्छा वेरिफिकेशन था, बट क्या करें। तो गाइस ये है फेसबुक वाले और गरीना वाले, ठीक है। सो गाइस आज के बाद आप कसम खा लो, कसम से गाइस इस वीडियो को इसलिए बनाया, कसम खा लो कि आज के बाद आप एक भी रुपया नहीं लगाओगे, ठीक है, एक भी पैसा वेस्ट नहीं करना है आपको फ्री फायर पे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ गेम का कुछ नहीं हो सकता गाइस, पूरा फ्यूचर कुछ भी नहीं है इस गेम का, ठीक है, जो आपके पैसे खा सकता है, आपकी आईडी का जा सकता है, क्यों उस पे पैसा लगाओ, ठीक है। अब बंदे कहते हैं कि एमके भाई टॉप अप कर दो, गिव अप कर दो, क्यों नहीं करता गाइस, क्योंकि अब मैंने पैसा लगाना छोड़ दिया, ठीक है। तो पैसा गाइस लगाना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं करना, क्योंकि कसम खा लो गाइस आज तक पैसा लगाना ही नहीं है, ठीक है, पैसा लगाओगे वहीं तुम्हारी आईडी चली गई, ठीक है। तो ये होता है गाइस मेनली, अब आप देख सकते हो ना कितने स्ट्रगलफुल थी, ठीक है। तो गाइस मेन चैनल के साथ एक तो ये हुआ अपने मेन चैनल के साथ, तो कि रिकमेंडेशन बंद हो गया, ठीक है, बंदों को सजेशन से आता है ना, तो गाइस वो भी बंद हो गया, और पैसे जो थे गाइस मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो चुका था। सो गाइस एकदम टूट चुका था मैं अंदर से, बट यहाँ तक कि थोड़ी बहुत मोटिवेशन की मेरे अंदर थी। तो बता दूं गाइस बंदों ने भी मेरी बहुत हेल्प करी, मैं बंदों के नाम भी लेना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छे बंदे हैं यार, और हैं अपना MDS गेम स्टेशन है, IGL है, बहुत लोगों ने गाइस मेरे को फुल सपोर्ट दिया, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपने ही धोखा दे गए, कि अपने ही दोस्त थे वही धोखा दे गए, जो कि बात ही अलग है यार गाइस उनकी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। तो ये सब हुआ था गाइस, और इन टाइमों में पूरा बदल दिया था मेरे को, ठीक है, अब बोलते थे एमके भाई ऐसे ऐसे, बहुत बदल गया, बदला नहीं हूँ गाइस, थोड़ा सा यार मतलब टाइमिंग इज़ अ हीलिंग, ठीक है, टाइम चाहिए, हर एक बंदे को टाइम चाहिए कि वो हील कर चुके, ठीक है। सो ये सब हुआ था, और गाइस मैं आपको बता दूं आपको स्पैमिंग और हैकिंग से कैसे बचना है, ठीक है, अब आप जानते हो मेरे साथ क्या केस हुआ है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डबल स्टेप वेरिफिकेशन सब में ऑन कर दो, ठीक है, यूट्यूब पे कर दो, और कहाँ पे फ्री फायर की आईडी जो है उसमें भी कर दो गाइस, क्योंकि फेसबुक से आपके मेनली कॉस्ट होता ही है, और फेसबुक की गाइस पॉलिसीज़ काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं 2020 आते आते। सो यही बात का मेरे को डर था कि गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट किस्मत है गाइस, जब जो हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते, कब क्या हो जाता है। और गाइस वीडियो भी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अब से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि गाइस लाइव सेटअप भी होने वाला है कंप्लीट, ठीक है, तो मैं लाइव भी आऊँगा, और गाइस आपके साथ खेलूँगा भी, और इसी के साथ काफ़ी अच्छे कंटेंट्स लाऊँगा। तो गाइस मस्ट सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को हर एक बंदे के साथ गाइस शेयर करो, प्लीज़ गाइस शेयर करो, ताकि हर एक बंदा जान सके कि ये गेम और फेसबुक क्या चीज़ है, ठीक है, और गरीना क्या चीज़ है, ठीक है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता गाइस, कभी भी कुछ नहीं हो सकता, कसम से गाइस। और पैसा लगाना आज तक कसम खा लो कि एक भी पैसा वेस्ट नहीं करें, एक भी मतलब एक भी नहीं यार, तुम ड्रॉप बाय भी मत करो, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा गाइस, कुछ भी नहीं होने वाला है इन सबसे, ठीक है, और ना इनका सर्वर कभी अच्छा हो सकता है, पिंग हमेशा 999 सब कुछ, तो पूरा गेम ये बर्बाद है गाइस, और इससे माइंड का कंसंट्रेशन भी लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उस लिमिट में खेलो कि अपना मतलब लिमिट में खेलना चाहिए, ठीक है। सो गाइस लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, और लास्ट बात ये और कहना चाहूँगा गाइस, हैशटैग
एम के रिटर्न्स और हैशटैग एम के सपोर्टर, सपोर्टर हैशटैग एम के एंड पॉप गाइस दोनों को सपोर्ट करा करो, क्योंकि यार दोनों ही अब चैनल चलाते हैं ठीक है फायर आर्मी का, जो हमें इतनी बड़ी दिक्कत आई थी। तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सको गाइस करो ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। इस मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ। और गाइस ये थी हमारी दुख भरी कहानी ठीक है, स्टोरी होती है गाइस ख़त्म यहाँ पे, गुड बाय की ठीक है। सो सबको थैंक यू जिनने हेल्प करी मेरी ठीक है, और चलो गाइस ठीक है, टिल द टाइम बाय बाय।